सर पहले तो कांग्रेचुलेशंस सर मैम, कांग्रेचुलेशंस आपकी नई मूवी आई है जो बहुत ही अच्छी चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है, तो पहली बात आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मूवी में काम करके? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत काम के साथ जब आप मस्ती करते हैं और वो काम काम नहीं लगता ना, तो इट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, तो बहुत फैंटास्टिक रहा। 13 दिन में हमने पूरी पिक्चर कंप्लीट की एंड साथ में हम लोग सब अलीबाग गए हुए थे, तो इट वॉज लाइक अ पार्टी प्लस वर्क, तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा एंड वी वेरी ग्लैड, वेरी थैंकफुल दैट लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। मेरे लिए तो एब्सोल्युटली न्यू और ना सिर्फ किरदार बट वेरी न्यू सेट ऑफ पीपल जिनको मैं नहीं जानती थी, और बहुत मज़ा आया। मतलब सबका सेंस ऑफ ह्यूमर और सब इतने मस्त होते थे कि मुझे भी ऐसा लगता था, खासकर कोविड के बाद, कि यार लोग हंसते भी हैं, लोग अच्छे भी होते हैं। तो इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस एंड या वॉट एल्स कैन आई से, गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम ऋतुराज सर एंड गॉट टू मीट सच यू नो नाइस न्यू पीपल, सो लवली। अच्छा था, बहुत अच्छा जर्नी रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरे कुछ लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, हितेन ऑलरेडी मेरे दोस्त थे, गिरीश और डायरेक्टर सौमित्र सिंह वो भी फ्रेंड थे मेरे, बट लेकिन फिर भी मेरा ऑडिशन लिया उन्होंने 3 राउंड्स ऑफ ऑडिशन, बट बहुत अच्छा जर्नी था। हम लोगों ने कैरेक्टर्स पे मिलके साथ में काम किया और शूटिंग वाइज भी हम लोग, मतलब जब नहीं भी शूट होता था तो भी हम लोग आ जाते थे कि कुछ हेल्प करना या और देखना, तो सब ने अपनी फिल्म समझ के ये किया है, ऐसे नहीं कि किसी और के सेट पर जा रहे हैं, हमारे अपने सेट पर जा रहे हैं। मैम अभी आपने ऋतुराज सर की बात की, तो उनके साथ कुछ मेमोरीज ऑन द सेट जो आप शेयर करना चाहेंगे? बस वो मस्त मौला थे, वो जहाँ होते थे वहाँ पार्टी शुरू हो जाती थी और मतलब खुश रहते थे, हमें अपनी बैरी जॉन और शाहरुख के ज़माने की वो स्टोरीज बताते थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जब जो भी सीन्स मैंने उनके साथ थोड़े बहुत किए उसमें वो सीन से पहले ही मुझसे बात करना शुरू करते थे और बोलते थे ये करें, आप कंफर्टेबल हो, इज़ दिस ओके, एंड आई शुड बी लाइक श्योर सर या नो प्रॉब्लम, एंड बस ही वाज वेयर द पार्टी वाज इज। ऋतुराज मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, मैं 20 साल पहले से जानता हूँ उनको, एंड बहुत फन लविंग, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का था। मतलब जो लोग कुछ और बात कर रहे हैं, कुछ कॉमेडी की बात हो रही है, कुछ भी मस्ती चल रही है, वो एक उनका वन लाइन पीछे से आता था, एक अलग सा कुछ आता था। सो ही वाज फैबुलस, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत हेल्पफुल थे, लोगों को भी हेल्प करते थे, एक्टर्स को एक्टर्स को हेल्प करते थे, वेरी इमोशनल पर्सन ऑल्सो एट द सेम टाइम, अ ग्रेट गाय एंड ही विल बी मिस्ड, वी विल मिस हिम, बट वेर एवर ही इज आई एम श्योर ही इज लुकिंग एट अस, लुकिंग आउट फॉर अस एंड ब्लेसिंग अस। मैं तो एक्चुअली ऋतुराज से मिली इस फिल्म के सेट पे ही थी, बट शूटिंग ख़त्म करते करते हम लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई, एंड इवन आफ्टर शूटिंग ही इज़ बीन अ ग्रेट फ्रेंड। उस टाइम पे भी एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखी मैं उनसे, जबकि हमारे सीन्स नहीं थे साथ में, बट फिर भी उनको देखना ही अपने आप में एक लर्निंग है, और उसके बाद भी मुझे लगता है मैं लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीखी उनसे। या वी मिस हिम। मेरी शक्ल देख के मैं कोई भी झूठ बोलूंगा लोग मान जाएंगे। ये अब आप पहले बोलो, मेरे को सोच लो क्या अफवाह फैलाना, अफवाहें हम लोगों को खत्म करनी है आपकी, फैलाना चाहेंगे नहीं, हाउस ऑफ लाइज है ना, तो कुछ ऐसा चिंगारी जो आप लगाना चाहेंगे? मैं हीरा मंडी 2 में हूँ। मैं इट्स अ फैक्ट, मैं हीरा मंडी 1 में थी, बट आई हैड टू बैक आउट बिकॉज मैं, मेरा उस टाइम पंजाबी फिल्म शुरू हो गया था, बट मैं थी, इट्स अ फैक्ट। मुझे हीरा मंडी में किसी ने बुलाया नहीं। दोनों का हीरा मंडी, तो अगली हीरा मंडी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देख रहा ना। फिल्म की शूट के टाइम पे, क्योंकि आप पूरा यंग ग्रुप था, किस तरह की मस्ती हुई है, कोई इंसिडेंट्स आप लोग मतलब ऐसे ही साथ में बैठ के कुछ किया हो, शेयर करना चाहेंगे? इतने सारे थे ना, क्योंकि रोज मैं आपको बताता हूँ, रोज शाम को पैकअप के बाद मेरे रूम में
इकट्ठा होते थे सब लोग रिहर्सल्स के लिए, और काफी सारी रिहर्सल होती थी अगले दिन क्या शूट करना। तो जब हम होते थे तो आपस में गिरीश वी हैव इज अ वंडरफुल सिंगर, अजितेश इज अ ग्रेट सिंगर, तो वो लोग बैठ के यू नो गिरीश गिटार बजाता था, गाने वाने गाते थे हम लोग, मतलब वो लोग गाते थे हम गाते थे हमारे जाते लोग, तो वो लोग गाते थे, वो सब मस्ती होती थी, खाना वाना साथ खाते थे, तो इतनी सारी बातें, इतना हंसी मजाक, इतनी मस्ती करते थे हम लोग, दैट वो टाइम कहाँ निकल गया पता नहीं चला। ओनली फॉर दैट रीजन आई फील 13 दिन बहुत कम पड़े, बट कोई बात नहीं, फिल्म अच्छा है 13 दिन में होगी। तो मतलब कोई प्लान है ये ग्रुप का वापस मिल के जाके रिविजिट करने का, अलीबाग में जो बंगलो है वहाँ पे? हम सोच रहे थे जाना चाहिए, लेकिन हमको अनफॉर्चुनेटली पता चला वो बंगला ही नहीं, वो अब वो बंगला ही निकल लिया, तो टूट गया। फिल्म में जो आप लोकेशन देख रहे हो वो नहीं है, वो है ही नहीं अभी, वही सौमित्र सोच रहा था वो जाके जगह खरीदे, बट अब पता नहीं क्या वो बात का। ये पार्टीज का मुझे एक चीज़ बहुत फनी लगी थी, मैं ना आई यूज़ टू गो एंड ऑफ कोर्स हम इन्जॉय करते थे, और हितेन यूज़ टू मेक श्योर कि सब खाना खा के जाए, तो खाना वाना खा के हम लोग फिर अपने रूम में चले जाते थे, सो जाते थे। मुझे मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी 5 दिनों से चप्पल नहीं मिल रही थी, मैंने कहा चप्पल कहाँ गई मेरी, कहाँ छोड़ दी, क्या कर रही। इतने में जब एक बार मैं सुबह हम लोग भाग रहे थे शूटिंग के लिए, हितेन ने मुझे बोला स्माइली तुम्हारी चप्पल यहाँ पड़ी हुई है पिछली बार। हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मैं रूम में अकेला हूँ, लड़की की चप्पल कहाँ से है, बोला बाकी लोग आएंगे वो देखे कहेंगे हो आपके रूम में कौन आया था कि चप्पल छोड़ के गया। अब मेरे ऊपर डाउट रहा था, नाम खराब हुआ था, तो फिर मेरे को समझ में आया, मैंने सिमरन को पूछा, मैंने सब लड़कियों को पूछा जो जो आई थी रूम में, मैंने कहा स्माइली हाँ पार्टी करने जो जो सब साथ में, मैंने कहा स्माइली जी आपकी चप्पल। लेकिन ये सुन के कोई और गलत ना ले ले, पता चला हितेन के घर पे पहुंच गए भाई हम लोग भी आते हैं पार्टी करने के लिए, लड़कियां नहीं, सारा दिन हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद इसके रूम में जाके, वो भी एक अच्छा होता था क्योंकि इसके रूम में ही गंद पड़ता था, हमारे रूम्स क्लीन रहते थे, और रात को इन सब के जाने के बाद सारे बर्तन उठा के मुझे बाहर रखने पड़ते थे कि भाई कोई ले जाओ, क्योंकि सुबह तक मक्खियां भीन भिना रही हैं वहाँ, क्या क्या हो रहा है, मैंने कहा भाई कोई तो ले जाओ, ये लोग तो जाके आराम से सो जाते थे, और हमारे डायरेक्टर साहब भी बहुत तो हितेन पार्टी लवर है, उन्होंने सबको पार्टी कराई, लेकिन एक कौन सी बुरी आदत है जो सबको इरिटेट करती थी उनकी? मेरी बोलो क्या है? नहीं कुछ नहीं, बहुत बहुत टांग खिंचाई करता है ये सिर्फ एक नहीं, मेरी तो ये तीन लोग, डायरेक्टर साहब एक ये और गिरीश, ये तीनों मिल जाए ना तो मैं गई। नहीं नहीं मुझे तो वैसी कुछ बुरी आदत नहीं है। Any upcoming बाद में पेमेंट दे दूंगा। Any upcoming projects in this year? हीरा मंडी टू हीरा मंडी टू हीरा मंडी थ्री नहीं, मैंने एक सीरीज की है, इट्स कॉल्ड मिक्सचर, अभी जस्ट शूट फिनिश हुआ है और आएगी बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।